तो और इस वीडियो में आपको जो है मिलेगा इस टाइप के सवाल जो आते हैं। जैसे पहला सवाल अगर हम देखें, यहाँ पे बात करें तो बोलता है, एक सेकेंड जरा हम इसको थोड़ा सा इस पे वर्णन पे करें। हाँ जी, तो यहाँ पे ड्रॉ, हाँ तो यहाँ पे बोला है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसका जो है, हम इस वीडियो में ट्रिक का बात करेंगे, जो सबसे सुपर फास्ट ट्रिक होता है, जो कि मैंने खुद इसको ईजाद किया है। हालांकि ये जो सवाल है काफी मतलब भर भर के पूछा जाता है, हर एग्जाम में इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है कि आप इसको वीडियो को जो है पॉज कीजिए और पहले खुद कीजिए। आपके पास है टोटल टाइम 20 सेकेंड का, 20 सेकेंड का टाइम है, आप गिन लीजिए 20 सेकेंड का हो रहा है, उसके बाद जो आंसर दीजिए। बन गया क्या, कितना है? 11%, आंसर है 21%। ठीक है, और थोड़ा सा साउंड को हम थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं। अभी तक साउंड आपको सही मिल रहा होगा? हाँ, आपको साउंड आपको सही मिलेगा। हाँ जी, तो चलते हैं। देखिए, मेरा जो तरीका है, आप कैसे भी करें उससे अब दिक्कत नहीं है, मेरा जो तरीका है वो अब यहाँ पे सीखिए। देखिए, करना क्या होता है, 10 रुपये में क्या किया है, 10 रुपये में 11 की दर से, इधर रुपया हम लिखे, यहाँ पे 11 की दर से, माने वस्तु की संख्या है, 10 रुपये में 11 की दर से क्या किया है, खरीदा है। तो ये हो गया सीपी हमारा। ठीक है, अब देखिए, 11 रुपये में 10 की दर से, 11 रुपये में 10 की दर से, ठीक है, वस्तु जो है बेचा है, यानी कि क्या किया है, ईएसपी है, सेलिंग प्राइस है, इतना तो समझ रहे होंगे। तो हमेशा ध्यान देना होगा, अब 10 तहिया 100, 11 में 11 से गुणा करेंगे 121, 10 तहिया 100 हो जाएगा, और 11 में गुणा किए 11 से तो 21 हो गया 100। तो यहाँ पे देखिए कि 100 का सामान 121 में बेच दिया तो कितना का लाभ हुआ, आप बोलेंगे 21 का लाभ हुआ है, तो यहाँ पे 21% का हमारा लाभ हो जाएगा, यहाँ पे सीधे आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये है सुपर फास्ट ट्रिक। इससे पहले भी कोई एक ट्रिक का ये है, तो वो जो है थोड़ा सा उसमें और जो है बराबर करना होता है, या तो आर्टिकल या फिर रुपया को, लेकिन यहाँ पे आपको बराबर करने का भी कोई झमेला नहीं है, सीधा एकदम तिरछा तिरछी गुणा कीजिए और बस आंसर पाइए विद इन सेकेंड्स, है कि नहीं। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर जब लिखिएगा तो सीपी का लिखिएगा, और हमेशा पैसा को पहले लिखिएगा, वस्तु को बाद में, और यहाँ पे भी पैसा को पहले देखिए लिखे हैं और वस्तु को बाद में लिखे हैं। क्या करना है, ऊपर लिखिएगा हमेशा, यानी कि शुरुआत में हमेशा ऊपर लिखिएगा सीपी को, बाद में यानी कि नीचे लिखिएगा एसपी को, और बाईं ओर रहेगा आपका पैसा और दाईं ओर आपका क्या बोलते हैं ये रुपया, नहीं वस्तुओं की संख्या। हाँ, तो इतना समझ गए, आगे चलते हैं। तो इस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम में अब हमको लगता है कि आपको मिले तो एकदम गर्दा कबार देंगे। तो चलते हैं आगे। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिलें प्रति रुपए की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए, 1 रुपया में क्या किया है वो बंदा, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल खरीदा है, तो ये हो गया सीपी, हम लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए। अब 1 रुपया में क्या किया है, कितना, 3 पेंसिल क्या किया है कि बेच दिया है, 3 पेंसिल बेच दिया है, तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी। अब देखिए, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 एकम 5, यानी कि 3 रुपया का सामान ला के बंदा जो है 5 रुपया में बेच दिया है, तो कितना का लाभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 का लाभ हुआ। आप बोलेंगे कितने पे हुआ है, तो आप बोलेंगे 3 पे हुआ है, तो 2/3, और फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखने को हम बताए हैं कि 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू से आप पकड़ लीजिए कि 66.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं, इतना आसान है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलमें खरीदता है तथा 1 रुपये में 15 कलमें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है, 1 रुपये में क्या किया है कि 25 कलम जो है खरीद लिया, 25 कलम, अब 1 रुपया में 15 कलम बेच देता है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, सीपी है, ये हमारा एसपी है। ठीक है,
अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करना होता है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो 15 एकम 15, 25 एकम 25, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। अभी और आप रेशियो ले लीजिए, अगर कट रहा है तो रेशियो ले सकते हैं, तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में। तो देखिए कितना का डिफरेंस है, आप बोलेंगे 2 का डिफरेंस है, कितने पे, तो 3 पे। अरे 3 का सामान 5 में बेच दिया है तो लाभ कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, तो 3 पे हो रहा है, तो 2/3 फिर से यहाँ पे 66.2% हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। यहाँ पे कई बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि रेशियो क्यों नहीं है, आपको नहीं बुझा रहा है तो 25 में से 15 घटा के 10 लिखिएगा और 10/15 लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में फिर वही चीज आने वाला है, तो इतना जो है थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए। आगे चलते हैं, वैसे हैं तो आप बहुत तेज आदमी, हमको पता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 263, लेकिन कभी कभी जो है आप घबरा जाते हैं। एक विक्रेता 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे जो है खरीदता है, ठीक है, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है, इसका क्या परिणाम होगा, मतलब लाभ होगा कि हानि होगा, ऑप्शन के हिसाब से वो बताना है। तो देखिए 6 रुपया में, 6 रुपया में क्या किया है, 5 के हिसाब से संतरा जो है खरीदा है, तो उसका सीपी हो गया। अब क्या किया है, 3 रुपए में 2 के हिसाब से, यानी कि 3 रुपए में 2 को संतरा जो है उस हिसाब से बेचता है, तो ये हमारा एसपी हो गया। तिरछा तिरछे गुणा करना होता है, आपको पता है, तो 6 × 12 3 × 5 = 15, यानी कि 12 का सामान ला के 15 में क्या किया है, बेच दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 3 का लाभ कमाया है, कितने पे, 12 पे, तो 3/12 यहाँ से कटाएंगे 1/4, अगर 100 से गुणा करना है तो आप करके देख भी लीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो 25% हमारा आंसर आएगा, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/4 से पकड़ लेगा कि 25% होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आप रेशियो क्यों नहीं लिए, रेशियो यहाँ भी ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, रेशियो यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो देखिए कैसे आप रेशियो लेंगे, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो 4 से 5 यानी कि 4 का सामान खरीद के 5 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, बोलेंगे 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है। 100 से गुणा करना है तो आप कीजिए, और नहीं करना है अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहरहाल उससे मतलब नहीं है हमको, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा इस वीडियो का मकसद था, ठीक है। इतना अगर आपको ये नहीं आ रहा है रेशियो लेने, तो आप ऐसा कीजिए कि आप घटाने वाला ही याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, अब इस पे आते हैं, ये भी उसी टाइप का थोड़ा सवाल है। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है, 7 रुपए में 21 के हिसाब से, 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब जो है खरीदता है, ये हो गया इसका सीपी। और क्या किया, 2 रुपए में 5 के हिसाब से जो है बेचता है, 5 के हिसाब से बेचता है, तो ये हो गया इसका एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब देखिए 7 × 5 = 35, 21 × 42 यानी कि 35 रुपया के सामान को 42 रुपये में बेचारा बेच देता है, तो कितना का गैप है, यानी कि 7 का फायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे 35 पे हो रहा है, तो 7 से कटाएंगे 35, 5 बार में कटेगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा, और 1/5 का मतलब होता है 20% हो जाएगा, 20% इस सवाल का उत्तर, समझ गए आप। यहाँ पे भी आप रेशियो से कर सकते हैं कि भाई 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, 5 का सामान 6 में बेच रहा है तो 1 का लाभ कमा रहा है, कितने पे, 5 पे, तो 1/5 20% यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, यही बस करना होता है और कुछ करना उना है नहीं। तो आगे चलते हैं, हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो है कुछ आगे अब नहीं चलना है वीडियो, तो इतना ही पे दी एंड करना होगा, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, अगर इस ट्रिक को आप मन में बैठा लें थोड़ा समझ लें तब। हमने फिर से जो है बता देते हैं, हमने क्या बताया कि शुरुआत में आपको सीपी रखना है, नीचे एसपी रखना है, और पहले यानी कि बाई ओर हमेशा रखिएगा पैसा को, दोनों कंडीशन में, बाई ओर दोनों कंडीशन में हमेशा पैसा को रखिएगा, और दाहिने ओर तो वस्तु ही आएगा, वस्तुओं की संख्या ही तो आएगी, दुए को चीज भी इसमें होता है। तो बस इस वीडियो को इतना ही पर एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।